डार्विन में उसका हिस्सा था पाकिस्तान शहीन्स की तरफ से। लास्ट सीज़न कराची किंग्स से खेला हूँ PSL, और अभी जो बांग्लादेश होम सीरीज़ हुई है शाहीन्स की उसमें भी हिस्सा था, और अभी चैम्पियंस कप का हिस्सा। जी हमारे साथ सकलैन भाई हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, उनका एक्सपीरियंस और जिस तरह हमारा स्क्वाड है, यंग स्क्वाड है और सारे जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ खेल रहा हूँ, और जो जो अच्छा एक कॉम्बिनेशन है सीनियर्स का और जूनियर्स का, तो जो हमारे सीनियर्स हैं टीम में उनके साथ काफ़ी बातचीत हो रही है, और जो हमारा कोचिंग स्टाफ है तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है टीम का। तो ये जो टूर्नामेंट है ये यंगस्टर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है खेलना, और इसमें अगर हम परफॉर्म करते हैं तो इंशाल्लाह आगे जाएंगे। अच्छा, आपने यहाँ पर नेट्स में बॉलिंग करवाई होगी तो कैसा रिजल्ट मिल रहा है आपको, कैसे नतज मिलेंगे? बाउंस बहुत कम होता है यहाँ पर, टर्न मिल रही है? जी बिल्कुल, स्पिनर्स को हेल्प है यहाँ पे, हल्की फुल्की स्पिनर्स को हेल्प मिल रही है, जिस तरह की पिच अभी हमने देखी है प्रैक्टिस में, तो आई थिंक के स्पिनर्स को सपोर्ट करेंगी पिचेस। अच्छा, आप बेसिकली लेग स्पिनर हैं लेकिन आपके मेंटोर हैं सकलैन मुश्ताक, तो किस तरह सर्वाइव करेंगे लेग स्पिनर को मेंटोर करने के लिए, लेग स्पिनर होना चाहिए? नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एक कोच होता है उसको ज़रूरी नहीं है कि वो लेग स्पिनर होगा तो वो लेग स्पिनर को ही गाइड कर सकता है, जो उनका एक्सपीरियंस है, जितनी उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेली है और जितनी उन्होंने जिस डिफरेंट कंडीशंस में क्रिकेट खेली है, तो वो ज़रूर हमें हेल्प कर रहे हैं, और जो यंगस्टर है उनसे जितना सीख सकता है उसके लिए फ़ायदा है, तो हम लोगों को बहुत हेल्प मिल रही है उनसे। चैंपियंस कप को पाकिस्तान की टीम में आने का एक ब्रिज बताया जा रहा है, आपके ख्याल में ये ब्रिज कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि स्पिन की सब पाकिस्तान टीम में ज़रूरत है, सिर्फ इब्रार अहमद ऐसे ही लीडिंग स्पिनर है, बाकी ऐसा कोई स्पिनर नहीं जो कि जो स्पेस है वो फुल कर सकता है। देखें ये टूर्नामेंट जो है इसमें आपकी नेशनल टीम के सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं और जितने यंगस्टर्स हैं वो सारे खेल रहे हैं, तो इसमें जो यंगस्टर्स हैं उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो सीनियर्स के साथ खेलें, तो इससे जब आप सीनियर्स के साथ खेलते हो तो आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है और आपको पता चलता है कि आपकी जो स्किल्स हैं वो किस लेवल पे हैं, तो आप जब इनके साथ खेलते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो और इम्प्रूव करते हो अपनी क्रिकेट यहाँ खेल के, तो जब यहाँ पे आप इस टूर्नामेंट में जब हम खेलेंगे तो जब हम सीनियर्स के साथ खेलेंगे तो हम लोगों को एक अच्छा एडवांटेज मिलेगा और यहाँ ये एक अच्छा पाथवे है नेशनल टीम में जाने के लिए। जी मैं यहाँ पे खेला था अंडर 19 का, हमारा डोमेस्टिक का इवेंट हुआ था लास्ट में, यहाँ पे तब खेला हूँ, और उसके अलावा सेकंड 11 हुई थी यहाँ पे 2 साल पहले, वो खेला था। तो यहाँ का माहौल और यहाँ का क्राउड शुरू से ही बहुत अच्छा होता है और एनर्जेटिक होता है, तो इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। शेडी के बारे में थोड़ा सा बताइए, आउट ऑफ फॉर्म है वो लेकिन हेवी स्पिनर है, इस तरह का कंपटीशन आपके इन कितना हार्ड होता है? देखिए फॉर्म होना ना होना ये किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन आप अपनी एफर्ट्स और हार्ड वर्क करते हो, तो जब आप हार्ड वर्क करते हो तो आप फॉर्म में आ सकते हो वापस, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, और ये टूर्नामेंट हर ऐसे प्लेयर को सपोर्ट करेगा और उनके लिए अच्छा टूर्नामेंट है कि वो यहाँ आए और जितना खेलें तो उनके लिए फ़ायदा है। तो आप कैसा फील कर रहे हैं कि जिसमें एक फ्रंट लाइन लेजेंडरी स्पिनर मेंटर कर रहे हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं, क्या सीखने को मिला अभी तक आपको? जी देखें हमारे स्क्वाड में 5 स्पिनर हैं जो मेन स्पिनर हैं, जो तो एज अ मेंटोर उनके जैसे वो हमारे मेंटोर हैं और वो खुद भी स्पिनर हैं, तो वो हमें बहुत अच्छा गाइड करेंगे इस कंडीशंस के हवाले से भी, और जिस तरह की क्रिकेट अब मॉडर्न डे क्रिकेट हम लोग खेलना चाह रहे हैं, तो हम लोगों को उससे बहुत हेल्प मिलेगी और हम यहाँ पे जितना सीख सकते हैं हमारे लिए फ़ायदा है, और हम एग्जीक्यूट करेंगे इस टूर्नामेंट में, जब ये टूर्नामेंट खेला जाएगा तो हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। मेंटर के लिए क्या उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं? एक यंग साइड है और हर प्लेयर में हंगर है इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, तो आप लोगों को बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।